चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इसका रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए हरियाणा विधानसभा स्पीकर की तरफ से बनाई कमेटी से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा भेजा है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए स्पीकर ने 5 विधायकों की कमेटी बनाई थी, जिसमें तोशाम विधायक किरण चौधरी, रोहतक विधायक बीबी बत्रा कांग्रेस सदस्यों के तौर पर शामिल थे, जबकि कमेटी में 2 बीजेपी विधायक और 1 जेजेपी का विधायक भी शामिल है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आई, किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। एपीएमसी कमेटी का गठन जो किया गया था, कांग्रेसी विधायकों का इस्तीफा एपीएमसी कमेटी से दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, कमेटी का गठन किया गया था एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए, लेकिन कांग्रेसी विधायकों का इस्तीफा, क्या इसकी वजह मानी जाए? देखिए, अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में 2 कांग्रेस के विधायक, 2 बीजेपी के विधायक और 1 जननायक जनता पार्टी के विधायक को शामिल किया गया था एपीएमसी को लेकर, ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर ही कहा था कि जो कानून आप लेकर आना चाहते थे, जो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आना चाहते थे, उसमें साफ तौर पर मना कर दिया गया था। उसी की बहस की चर्चा के दौरान, चलिए विनोद आपको यहाँ पर रोकना चाहिए, हमारे साथ कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा भी जुड़ गए। बीबी जी, क्या आखिर कारण रहा, क्योंकि एपीएमसी कमेटी का जो गठन किया गया था उसमें कांग्रेस के 2 विधायकों को शामिल किया गया, लेकिन बावजूद इसके अब इस्तीफा अचानक से, क्या वजह मानी जाए? सरकार ये करना चाहती थी, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मुख्यमंत्री सदन के ऊपर, सदन के सामने ये कहते हैं कि हम किसी हालत में कृषि कानून को हम सपोर्ट करते हैं और कृषि कानून में इसको वापस नहीं लेंगे, और उसके बाद जब हमने अमेंडमेंट की तब तो अपोज करते हो, तब तो टेक्निकल ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट करते हो, और बाद में डिफेंशन करके कहते हैं कि सेक्शन 7 में हम अमेंडमेंट करने को तैयार है। ये अमेंडमेंट करनी है तो पूरा हमारा एक कंसीडर करो, किस बात को नहीं करते, अपने आप को दिखावा करना चाहते हो कि तो हमने किसानों की बात मान ली है। किसानों की बात तो तब मानो आपने, जब गवर्नमेंट कैटेगरी मुख्यमंत्री कैटेगरी स्टेटमेंट हाउस के सामने दे कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो एपीएमसी के अंदर कवर होंगे और सेंट्रल अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर ये ध्यान देते हैं तो वी कैन कंसीडर इट, बट ही इज प्लीज कैटेगरी स्टेटमेंट बिफोर द हाउस। चलिए बहुत शुक्रिया आपका बीबी बत्रा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर कांग्रेस के विधायक जिनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, बीबी बत्रा साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि ये मात्र एक दिखावा है जो कि सरकार की ओर से किया जा रहा है, एपीएमसी कमेटी का गठन करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। विनोद लांबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लांबा साहब, आपने सुना होगा बत्रा साहब को, उनका कहना है कि ये सब कुछ ड्रामा है मात्र सरकार का, एपीएमसी कमेटी का भले ही गठन किया गया लेकिन उससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला। बात कर रहे हैं, आपकी बिल्कुल ठीक है, और हम इस ये कमेटी कोई पर्पस नहीं करेगी इस बात के लिए, और सरकार घरेलू वहां से बर्बाना बंद करे और किसानों की मांग बंद। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया बीबी बत्रा साहब आपका भी और विनोद लांबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एपीएमसी कमेटी से कांग्रेस के विधायकों का इस्तीफा, किरण चौधरी तो शाम से, तो बीबी बत्रा रोहतक से विधायक, और दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक औपचारिक तरीके से बात सामने नहीं आई है कि इस्तीफे की वजह क्या कुछ है, लेकिन बीबी बत्रा साहब जो कि अभी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि सरकार पर अब उन्हें भरोसा नहीं है।